अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि है टाइप फेसेस के बारे में। टाइप फेसेस क्या होते हैं, नॉर्मल लोग इसको क्या बोलते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जो इस वक्त आपको ये नाम सुन के आ रहे होंगे आपके माइंड में। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने फॉन्ट्स का नाम सुना होगा। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है मैंगो पीपल कॉल इट फॉन्ट्स, यानी आम लोग जो हैं वो फॉन्ट्स कहते हैं, लेकिन हम डिज़ाइनर्स जो हैं इसको टाइप फेसेस कहते हैं। और अब से आप भी इसको, अगर आप डिज़ाइनर बन रहे हैं और इंशाल्लाह अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं, तो आप भी इसको टाइप फेस ही कहेंगे, क्योंकि फॉन्ट बहुत ही बेसिक टर्म होती है जिसके अंदर सारे टाइप फेसेस इंक्लूड नहीं होते, लाइक उसकी सारी टर्म्स इंक्लूड नहीं की जा सकती, इसलिए इसका नाम टाइप फेस रखा जाता है। अच्छा, टाइप फेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेरिफ टाइप फेसेस, एक होते हैं सैन सेरिफ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सेरिफ टाइप फेसेस होते हैं ना, वो नॉर्मली यूज़ किए जा रहे होते हैं बुक्स के लिए, लिटरेचर के लिए, और इनर कंटेंट, जैसे अगर आपने कुछ उसके अंदर लिखना हो किसी कंटेंट में, लाइक जिसको इबारत कहते हैं, अगर आपने वो लिखनी हो तो उसमें आप सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। जो सैन सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, ये नॉर्मली होर्डिंग्स में, बिलबोर्ड्स, वेब के टाइटल्स में, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बोल्ड में लिखनी हो, उन सब में यूज़ किए जाते हैं। अगेन यहाँ लिखा गया है, जो हेडिंग है वो आप सैन सेरिफ में दे सकते हैं, जो सब टाइटल है वो आप सिर्फ सेरिफ में देंगे। अब दोनों की पहचान क्या है? जिन भी फॉन्ट्स के साथ, अच्छा तो मैं बता रहा था कि डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। तो जो आप देख रहे हैं, जितने भी इस तरह के आप फॉन्ट्स देखें जिसके अंदर इस तरह से कर्ल यूज़ हुए हुए हैं, उनके कॉर्नर्स निकले हुए हैं, और इस तरह से शेप है, जिस तरह आपकी ये एस को नज़र आ रही है, आई के देखिए, ये देखें ये शेप, ये शेप, फिर आई के साथ की ये शेप, जी की इस तरह की शेप, एन के साथ का इसका निकला हुआ एज, इस तरह एन में, डी में, जितने भी इस तरह के फॉन्ट्स हैं उनको सैन सेरिफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं प्लेन फॉन्ट्स, जिसके बिल्कुल ये देखें, जैसे इसमें डी का कोई कॉर्नर नहीं निकला हुआ, ई का भी एज बिल्कुल स्ट्रेट है, एस का भी कोई एज नहीं है, आई के भी नीचे से कुछ नहीं है, इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं सेरिफ्स। सो नॉर्मली आप टाइटल के अंदर इस तरह के फॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि होते हैं सैन सेरिफ, जबकि डिटेल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं सेरिफ्स। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे देखें, आपने शायद किसी वेब वगैरह में अपना कभी गौर किया हो, तो आपको कंटेंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखता होगा। ये आपने सबसे पहले ऊपर आपने मेन हेडिंग है आपकी, इसके बाद यहाँ पे आपका कंटेंट होता होगा, देन आपको H2 दिखती होगी जो कि इससे छोटी हेडिंग होती है, इस तरह से। अब आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें, अगर वो प्रॉपर डिज़ाइन के स्टैंडर्ड पे बनी हुई है ना, तो उसका जो टाइटल होगा, वो टाइटल या हेडिंग आप इसको कह लें, ये हमेशा सैंस सेरिफ में लिखी होगी, जिसके इस तरह कर्ली फॉन्ट्स हैं। जो इसका इनर कंटेंट है वो सेरिफ में लिखा होगा, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, उसके अलावा ये जो है, क्योंकि ये भी H2 है, ये हेडिंग के अंदर आती है, तो इसलिए इसको भी सैंस सेरिफ के तौर पर यूज़ करें। इसके बाद इन दोनों हेडिंग्स के बाद अगर आपने कोई और इससे छोटी H3 डालनी हो, तो उसको आप सेरिफ्स में डाल सकते हैं, इस तरह से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस अगर आपको इसमें कोई इशू हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं,
और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ई फ्री स्कूल। उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आपको और भी मिलेंगी जो कि मैं आगे अपने कोर्स आउटलाइन की वीडियो सारी बनाऊंगा। सो इसी तरह वीडियोस कंटिन्यू रखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा और इसे सीखना पड़ेगा ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस बना सकूँ और आपको दे सकूँ। सो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।